बच्चों बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम कर रहे थे, बस पे थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे रेडियस ना होके ना उसने सरफेस एरिया दे रखा है। अब सरफेस एरिया दे रखा है मुझे, बोल रहा है कि भाई एक सॉलिड स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया ये है, और उसको मेल्ट और रिकास्ट करके मैंने एक स्मॉल स्फीयर्स बना लिए, और बोल रहा है कि कितने सच स्मॉल स्फीयर्स बनेंगे। तो सच स्मॉल स्फीयर्स के हाउ मैनी के लिए तो मैंने एक्स लिख लिया। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू ये वाला वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर है ना, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्पेयर, और कितने बनेंगे तो मैंने एक्स ले लिया। तो हाउ मैनी, कितने एक्स, कितने स्मॉलर स्पेयर बनेंगे तो मैंने एक्स ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए बहुत इजी है ये, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर तो चाहिए चाहिए ना मुझे, इसमें तो आर है नहीं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया जिससे मैंने निकालना है, पर मुझे सरफेस एरिया गिवन है। तो सरफेस एरिया क्या होता है ऑफ क्या बोलते हैं स्पेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ, और ये मुझे सरफेस एरिया दे रखा है 616 = 4 × 22/7 × r² तो बच्चों देखिए अब इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों देखिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये कट रहा है देखते हैं, लेट्स इलेवन से कट रहा है, 11 5 जा 55 55 56 57 58 59 60 61, बिल्कुल बच्चों 11 से कर रहा है, 11 2 जा 11 5 जा और फिर 11 6 जा, ठीक है। अच्छा जी, फिर हो जाएगा 2 से 2 2 जा 4 2 8 जा 16, फिर हो जाएगा फिर ये कटेगा 4 से 4 7 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 7 जा, तो ये हो जाएगा r² = 7 × 7, तो r हो जाएगा √7 × 7, और बच्चों देखो r आ जाएगा मेरे पे 7। तो r कितना आ गया मेरे पे 7। अब मैं ये वाला कर सकता हूँ, तो देखो मैं यहीं पे इसको कर लेता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस मेरा अभी आ गया 7, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बच्चों 4, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³ = वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फिर से 4/3 π, यहाँ पे मैं कैपिटल आर लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं स्मॉल आर लिख लेता हूँ, ये छोटे वाले हैं ना, × x। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे बड़ा जो आर है यहाँ पे था 7, 7 × 7 × 7 = यहाँ पे आर कितना है बच्चों, यहाँ पे है 7/4 × 7/4 × 7/4। तो बच्चों देखो 3.5 था, मैंने इसको अपॉन 2 किया तो ये आ गया रेडियस 7/4, राइट। तो × x, तो 7 से 7 7, पूरा तीनों 7 कट गए, तो x आ जाएगा बच्चों 4 × 4 × 4 विच इज 16, 16 × 4 64। तो ये हो जाएगा बच्चों x हो जाएगा मेरे पे कितना, 64 स्पेयर्स बनेंगे, है ना। छोटे छोटे स्पेयर्स कितने बनेंगे, 64 स्पेयर्स बनेंगे। काफ़ी इजी था ये। देखिए ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सरफेस एरिया पूछ ले वो आपसे, सरफेस एरिया दे रखा हो और फिर आपको ये निकालना हो, तो ऐसे करके आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं।